अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। आपका है यूनिट नंबर 2 सिटीजनशिप। उसका आज हमने चैप्टर नंबर 7 करना है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। पेज नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, पेज नंबर 55 से 56 तक हम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पीस क्या होता है? पीस आपका अमन अमान और सुकून को हम पीस कहते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आपका या तो तजाद होता है या तसादम होता है। कहीं भी दो लोगों में झगड़ा, दो ममालिक में झगड़ा, या कहीं पर भी दो इंसानों में झगड़ा आपका तसादम या कॉन्फ्लिक्ट या तजाद कहलाता है। अब हम बुक की तरफ आएंगे, जहाँ पे मैं आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, देखिएगा, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। आ कॉन्फ्लिक्ट इज़ आ डिसएग्रीमेंट और अ फाइट। एक तसादुम या तजाद एक गैर रजामंदाना या एक झगड़े को कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ कैन लीड टू वॉर। जो तसादुम है वो अगर दो ममालिक के दरमियान हो तो वो जंग को जन्म देता है या जंग की तरफ ले जाता है। वॉर काजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, सफरिंग एंड पेन। जंग की वजूहात या जंग की वजह से जो होता है वो नुकसान बर्दाश्त करना और तकलीफ़, यानी कि बहुत सी ऐसी मुश्किलात, तकलीफ़ें, दर्द जो हमें जंग की वजह से जिनका सामना करना पड़ता है, या ये सारी चीज़ें जंग की वजह से वजूद में आती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन देयर इज़ नो अनरेस्ट इन अ कंट्री। जब एक मुल्क में कोई सुकून हो, मतलब नो अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब है जहाँ पुरसकून ना हो या सकून हो। नो वार विद एन अदर कंट्री, किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जंग ना हो। और व्हेन अ वार हैज़ एंडेड, और जब एक जंग ख़त्म हो जाए, देयर इज़ अ पीस, तो वहाँ अमनो अमान होता है। थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव ऑलवेज बीन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, यानी कि तारीख को अगर उठा कर देखें या तारीख में देखें या तारीख को दोहराएँ तो बहुत सारे तसादुम, तजाद और जंगें हो चुकी हैं। इन द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में देयर हैव बीन मोर देन 120 वॉर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में तकरीबन, या पूरी सदी को देख लें उसमें तकरीबन पिछले 30 सालों में 120 जंगें लड़ी जा चुकी हैं दुनिया में। ड्यूरिंग अ वार और कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग के दौरान या एक तसादुम के दरमियान, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल लाइफ टू कंटिन्यू। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है फॉर नॉर्मल लाइफ टू कंटिन्यू कि हम आम जिंदगी को जारी रख सकें। वॉर कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग एन एजुकेशन, जंग जो है वो लोगों को तालीम हासिल करने से रोक देती है। इट कैन इंटरप्ट और स्टॉप नॉर्मल सर्विसेज, ये रोक देती है या बिगाड़ देती है या फोर्सफुली रोक देती है सर्विसेज को, जॉब्स को, आम जॉब्स को, यानी कि अगर कोई हमारी, हम रेगुलर रूटीन में कोई काम करते हैं तो ये उनको भी रोक देती है, क्योंकि जंग के दौरान तो हम बाहर नहीं निकल सकते ना। सच एज द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिकसिटी की सहूलत या दस्तियाबी है, और हेल्थ केयर और सेहत की। पीपल कैन डाई और बी इंजर्ड, पीपल कैन डाई, लोग मर सकते हैं, और बी इंजर्ड, और ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लाइफ ड्यूरिंग वॉर टाइम इज़ स्ट्रेसफुल, जंग के दौरान ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल, परेशान कुन हो जाती है। There are organization in the world, दुनिया में कुछ organizations हैं, such as the United Nations, जिनमें से एक United Nations भी है, that are dedicated to finding peaceful solutions to conflict, जो कि बनाई गई हैं finding peaceful solution किसी to conflict, किसी भी तसादुम या तजाद का अमनो अमान वाला हल तलाश कर सकें। They act as an independent judge, वो आज़ादाना जज के तौर पर काम करती हैं, लाइक अ रेफरी, एक रेफरी की तरह भी। एंड दे हेल्प टू इंक्रीज़ गुड कम्युनिकेशन, और वो मदद करते हैं कि वो बढ़ा सकें खबर रसाई या ज़राए इब्लाग या बातचीत को बिटवीन कंट्रीज़, मुमालिक के दरमियान। क्लियर कम्युनिकेशन, साफ़ ज़राए इब्लाग एंड कॉरपोरेशन कैन प्रिवेंट और स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स, और लोगों के दरमियान बातचीत कैन प्रिवेंट, महफूज कर सकती है, और स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स और तजातुम या तजाद को रोक सकती हैं।
Dealing with conflicts in your own lives. Dealing with conflicts in your own lives. यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में तसादुम के साथ किस तरह डीलिंग करते हैं, किस तरह आपका उनके साथ रवैया होता है, या आप उन्हें कैसे हल कर सकते हैं. Have you ever had a disagreement with a friend or a family? क्या आपके साथ, आपकी फैमिली मेम्बर या दोस्त के साथ कोई ऐसा गैर रजामंदाना मुआहदा हुआ या कोई भी ऐसी बात हुई कि आप उनके साथ रजामंद ना हुए? कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस फीलिंग एंग्री, सैड और फ्रस्ट्रेटेड. कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक अस, तसादुम या तजाद हमें महसूस करवा सकता है या बना सकता है या हम महसूस कर सकते हैं एंग्री, गुस्से वाला, उदास और परेशान कुन. When we feel strong feelings, जब हम मजबूत एहसास को महसूस करते हैं, it is difficult to think clearly. ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम आसानी से सोच सकें. There are ways in which we can peacefully resolve conflicts. यहाँ पर कुछ तरीक़ेकार हैं या कुछ रस्ते या कुछ वजूहात बयान की गई हैं जिनकी वजह से आप अपने तसादुम को हल कर सकते हैं. एंड थिंग्स वी कैन डू, और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं टू हेल्प अस काम डाउन, कि हम अपने आप को पुरसकून रख सकें. उसके बाद देखिएगा, हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, हम तसादुम के साथ किस तरह डीलिंग कर सकते हैं, किस तरह उनके उन मसलों को हम हल कर सकते हैं. पॉज फॉर थाट, स्टॉप यानी कि पॉज मतलब स्टॉप कर दें, फॉर थॉट थिंकिंग के लिए, किसी भी चीज़ को सोचने के लिए थोड़ी देर रुक जाएं. टेक टाइम आउट, कुछ वक्त लें. आस्क एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू हेल्प, एक आज़ादाना शख्स से कहें कि वो आपकी मदद करे. लिसन एंड थिंक अबाउट द अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे लोगों के नज़रियात को भी सुनें और समझें. स्पीक कामली, आराम से बोलें. Express your feelings, अपनी एहसासात का इजहार करें. Without blaming, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए बगैर, the other person दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए बगैर. Think about how to solve the problem without making it worse. Think about के मुतालिक सोचें, how to solve, कैसे आप हल कर सकते हैं the problem, मसले को, without making it worse, उसे बदतरीन बनाए बगैर. Next देखिएगा, How to calm down, कैसे अपने आप को हम पुरसकून कर सकते हैं. Stop, what are you doing, रुक जाइए, आप जो कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उससे रुक जाइए. Refocus, दोबारा ध्यान दीजिए your senses, अपने senses पर, by thinking about, इस चीज़ के मुतालिक सोचते हुए. What you can see, आपने क्या देखा. Hear, सुना. Smell, सूंघा. Taste, चखा और टच और महसूस किया. ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए. रिलैक्स योर मसल्स, अपने मसल्स को सुकून दीजिए, रिलैक्स कीजिए. डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, अपना माइंड, अपना ध्यान भटाइए. डू समथिंग सूदिंग, कुछ ऐसा करें जो आपको सुकून दे सके. स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको रीडिंग भी करवा दी है और साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी करवा दी है. आपने एक दफ़ा घर पर इसे खुद से रीड आउट करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है. टेक केयर, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़.